हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आरबीएसई बोर्ड ने आप सभी के रेट के एग्ज़ाम के रिजल्ट पर और आप लोगों के फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपकी पदों की संख्या की बढ़ोतरी को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट जारी कर दी। हमारे जितने भी रीट के छात्र हैं जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था, अपने फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि रीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचा जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी अपडेट रीट एग्जाम 2021 पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो हमारे रीट के जो छात्र हैं, ठीक है, इनमें बीएड धारी जितने भी हैं इनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, काफ़ी बड़ी राहत मान सकते हैं। राजस्थान सरकार ने रीट पास करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की अंतिम तिथि तक बीएड की डिग्री मिलने पर जो है शिक्षक भर्ती के लिए योग्य होंगे। सीएम गहलोत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है। अब तक जो है हमारे आरबीएसई के नियमों के अनुसार रीट के नतीजे तक बीएड की डिग्री मिलने पर ही भर्ती के योग्य का प्रावधान था, तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। सबसे पहली तो यही है, इसके बाद आप लोगों के मेरिट लिस्ट पर भी है, ठीक है। मेरिट लिस्ट पर जो अपडेट आ रही है वो हमारे जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप लोगों की जो पदों की संख्या है ये अब बढ़ने वाली है। आपकी जो है आपकी 50,000 यानी कि 50,000 की जा सकती है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार हमारे जितने भी छात्र हैं रीट में पदों की संख्या अगर वृद्धि हुई तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें हमारे जितने भी छात्र हैं रीट के उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी है। आप लोगों का जो पहली मेरिट लिस्ट है ये आप लोगों की 15 जो नवंबर आ रहा है 15 नवंबर 2021 तक की आप लोगों की ऑफिशियल साइट पर जारी किया जा सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा बीएड वालों का जो नेक्स्ट आप लोगों का हियरिंग लगी कोर्ट की वो आपकी 24 नवंबर को लगी है। बीएड वालों को लेवल फर्स्ट में जो है मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगातार यहाँ पे मांग की जा रही कि बीएड वालों को बाहर निकाला जाए। अगर बाहर निकाला गया तो लेवल फर्स्ट में जनरल वालों की कट ऑफ डिक्रीज होगी। फिर